नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। और चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 राइट नाउ। अब हम पहला सीन देखते हैं अलीना को, जो एक तरह से मैट से मिलने आई थी गार्डन के अंदर, और वो अलीना नहीं एक तरह से कैथरीन है और वो उसको किस करके आके बैठती है। और ये देखने को थोड़ा मैट हैरान था कि ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। और तभी हम देखते हैं वो पूछती है तुमने व्रिवेन लिया है क्या, और ये बोलने के बाद मैट बोलता है मैं ये ब्रेसलेट पहनता हूं तो व्रिवेन लेने की जरूरत नहीं है। तभी अलीना बोलती है मुझे हटाना पड़ेगा और मुझे दर्द होगा। तभी हम देखते हैं उसका ब्रेसलेट फेंक देती है और ये देख के मैट बोलते हैं तुम ये क्या कर रही हो। तभी एक तरह से बोलती है कि मैं एक तरह से कैथरीन हूं, जब तुम लोग मेरे मरने की खुशी बना रहे थे और एक तरह शराब पी रहे थे उस टाइम में मैं पूरा प्लान बना रही थी कि मैं किस तरह अलीना के छोटे से दिमाग के अंदर घुस सकूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मैट डरने लगता है और तभी नाड़ी आके उसे पीछे से पकड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं उसे कंपल्शन करके उससे सारी चीजें पूछते हैं, अलीना का बर्थडे कब है, जेरमी का बर्थडे कब है, वो उससे कब मिली थी, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसको किससे ज्यादा प्यार है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है जिसकी वजह से कि वो एक तरह से मिमिक कर सके अलीना को परफेक्टली। फिर हम अगला सीन देखते हैं कुछ देर पहले का, जिस मोमेंट पे हम देखते हैं कि कैथरीन जो अलीना की बॉडी में है उससे मिलने के लिए आती है नाडिया। और नाडिया आने के बाद बताती है कि तुम्हारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए करने के लिए मिया जो एक ट्रेवलर है उसने एक तरह का सजेशन निकाला है। उसने ऐसा कहा है कि तुम्हारी डेड बॉडी मिलने के बाद एक तरह से वो स्पेल करेगी और सब कुछ सही कर देगी, और वो डेड बॉडी ढूंढने के लिए जा रही है। और तभी कैथरीन जो अलीना की बॉडी में है वो बोलती है कि पता नहीं है मुझे डेवन बार बार कॉल कर रहा है और एक तरह से मुझे दिमाग खराब हो रहा है इन सब चीजों को सोच के, ट्रैवलर्स को ये सब कितना क्रीपी है। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है ये सब छोड़ो और मैं हथकड़ी लाई हूं तो मैं बांधूंगी बेड से और फिर चली जाऊंगी। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, मुझे क्यों बांधना चाहती हो। और तभी नाडिया बोलती है तुम्हारे लिए, अगर अलीना वापस आ गई एक तरह से इस बॉडी में और एक तरह से पजेस कर लिया तुमको तो वो समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ हो रही है और सारा प्लान खराब हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब कैथरीन समझती है सिचुएशन और उसके दोनों हाथ बांध देती है और वहां पर उसको बांध कर चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेवन को, जो घर आता है उसके हाथ पैर मिट्टी में थे और एक तरह से आने के बाद वहां पर स्टेफन पूछता है तुम कहां गए थे, बोलता है किसी बेवकूफ को गाड़ने के लिए गया था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर नाडिया खड़ी थी और नाडिया बोलती है कि प्लीज तुम मुझे मेरी माँ की बॉडी दे दो, मैं उनको बुल्गेरिया में एक तरह से गाड़ना चाहती हूँ जहां पर हमारी पूरी फैमिली है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तो बिच जिसने उसकी पूरी जिंदगी खराब की है उसकी डेड बॉडी वो नहीं देगा। तभी हम देखते हैं नाडिया उसको पकड़ने की कोशिश करती है बट वो उसकी गर्दन पकड़ कहता है कि वो कभी वापस नहीं करेगा उसकी बॉडी को और ये एक तरह से उसकी पनिशमेंट है। और ये कहकर वहां से चला जाता है और नाडिया बहुत बुरी तरह से सोचने लगती है कि वो डेड बॉडी को वापस कैसे ले। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैरोलाइन एक तरह से अपने रूम की सफाई करने लग रही थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं वहां पर आता है एरन और एरन कहने के बाद बोलती है हाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोलता है कि मुझे एक तरह से अलीना से मिलना था। और तभी वो बोलते हैं अलीना तो यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है, बट स्टिल अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो मैं बता सकती हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे उससे एक तरह सॉरी भी बोलना था और एक तरह से बताना था कि मैंने जितने भी मेरे ट्रस्ट हैं और वेस्ट उनको फिर से तंग नहीं करेगा, जो मैक्सफील्ड है वो एक तरह से उन्हें तंग नहीं करेगा और मैंने पूरी जो ऑगस्टीन वैम्पायर हेटिंग सोसाइटी है उसके लिए फंड करना बंद करवा दिया है क्योंकि सारे फंड मेरे नाम पे थे। और ये कहने के बाद खुश होती है और कहती है नो प्रॉब्लम। और ये कहने के बाद बोलता है उसको प्लीज सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। और ये कहने के बाद बोलती है ओके मैं बोल दूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जाता है एरन और अपने कमरे में जैसे जाने लगता है वहां पर एन्जो आ जाता है। एन्जो को देख के एकदम डर जाता है वो और तभी हम देखते हैं कि एन्जो गेट बंद कर देता है और उसके साथ कमरे में कुछ गलत करेगा। वही हम देखते हैं कैरोलाइन के पास एक फोन आया था स्टेफन का और स्टेफन बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक तरह से। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है क्या हेल्प, वो बोलता है एक तरह से डेमन का ब्रेकअप हो चुका है अलीना से और मैं उनको फिर से मिलाना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम ऐसा क्यों चाहते हो बाय द वे। और ये कहने के बाद बोलता है यार एक तरह से डेमन जैसा भी है बट स्टिल वो उससे प्यार करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर से अलीना यहाँ पर है नहीं, मैं चाहता हूँ कोई एक साथ हो तो बेटर है, तुम्हें पता है हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी बेकार लोगों को भी डेट करना पड़ता है। और कैरोलाइन सोचती है शायद ये मेरे और क्लाउस के बारे में जानता है और पूछती है तुम्हें कुछ पता है क्या मेरे बारे में। और तभी स्टेफन बोलता है शायद मुझे पता होना चाहिए क्या। और तभी कैरोलाइन बोलती है नहीं 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 कुछ नहीं पता होना चाहिए, लीव दैट टॉपिक। और ये कहने के बाद बोलती है मैं कोशिश करूंगी अगर अलीना मिलेगी तो। और ये कहने को स्टेफन बोलता है तुम्हारे साथ नहीं है वो। और तभी कैरोलाइन बोलती है नहीं वो मेरे साथ नहीं है और तुम्हें क्यों लगा। और ये कहने को स्टेफन बोलता है उसने कहा था कि वो एक तरह से कॉलेज जा रही है और वो बोलती है नहीं कॉलेज नहीं आई है वो। और ये कहने के बाद दोनों बोलते हैं कि वो है कहां पर इस टाइम पे। फिर हम अगले सीन में कैथरीन को देखते हैं जो अलीना की बॉडी के अंदर थी वहां पर बंधी बंधी बोर हो रही थी और बार बार उसके पास कैरोलाइन का फोन आ रहा था बट वो उठा नहीं पा रही थी क्योंकि वो बंधी हुई थी।
तभी हम देखते हैं एक मोमेंट पर एकदम एक तरह से एकदम उसकी आंखें बंद होती हैं और यहाँ पर अब अलीना वापस आ जाती है। और जैसे अलीना यहाँ पर आती है यहाँ वहां देखने लगती है और उसे लगता है वो कहाँ पर है, उसे जगह नहीं याद आ रही और उसके हाथ बंधे हुए हैं और ये सब देख के बहुत बुरी तरह से घबरा रही थी और एक तरह से झटके मार मार के वो तोड़ देती है और एकदम फोन की तरफ बढ़ती है और फोन उठाने वाली होती है, उससे पहले फोन करता है फिर से कॉल करे, उससे पहले वहां पर आ जाती है नाडिया और नाडिया उसके हाथ से फोन छीनती है और वहीं पर बोलती है हेलो अलीना। और ये कहने के बाद अलीना समझती है और कहती है नाडिया तुमने ये क्या किया, तुमने कैथरीन को मेरी बॉडी के अंदर क्यों डाल दिया, तुम तो तुम्हारे बॉडी के अंदर डालने वाली थी। तभी हम देखते हैं नाडिया स्पेल करती है जिससे कैथरीन की आत्मा एक तरह से फिर से ओवरटेक कर लेती है अलीना को। और तभी हम देखते हैं वो आने के बाद होश में कैथरीन बोलती है यहाँ पर हो क्या रहा है और तभी उसकी बेटी नाडिया बोलती है अलीना हैपेंस और ये कहने के बाद बोलती है अलीना तुम पे एक तरह से हावी होने की कोशिश कर रही है। और तभी कैथरीन बोलती है कि तुम मेरे लिए मेरी बॉडी लेकर आई हो और वहीं पर नाडिया एक तरह से एक्सप्लेन करना चाहती है कि एक तरह से डेमन ने बॉडी नहीं दी और उसे भी वो ढूंढनी पड़ेगी। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन एक तरह से समझाने लगता है डेमन को कि एक तरह से अलीना से बात करो, उसे समझाओ, अगर तुम ब्रेकअप कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेकार है, ऊपर से अलीना एक तरह से फोन नहीं उठा रही है ना बात कर रही है, प्लीज तुम उससे ट्राई करो बात करने का। वहीं पर डेमन बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस टाइम पे किसी से बात करने का। और वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन आ जाती है और कैरोलाइन बोलती है कि मैं एक तरह से पता कर सकती हूँ। और ये सुनने को डेमन बोलता है तुम क्यों हेल्प करने लगी मुझे ब्लॉन्डी, तुम तो ये भी कहती हो एक तरह से मुझे सेटन कहना, सेटन की एक तरह से बेइज्जती है और तुम मेरी कब से हेल्प करने लग गई। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैं तुम्हें इसलिए हेल्प कर रही हूँ क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और तुम्हारी हेल्प करनी जरूरी है। और उन दोनों को आसपास देख के बोलता है डेमन कि तुम मुझे बेबी सिटिंग करने आए हो क्या यहाँ पर। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है करनी पड़ेगी जैसे तुम्हारे हालात चल रहे हैं ना वो भी करनी पड़ेगी। वहीं अब कैरोलाइन बताती है कि एक तरह से उसने बानी से बात की, बानी और जेरेमी बानी की मॉम से मिलने गए हैं और वहां पर भी अलीना नहीं है ना उनसे बात हुई है तो शायद किसी अलीना खतरे में तो नहीं है। वही हम देखते हैं कैथरीन के पास बार बार मैसेज आ रहे थे कहीं कैरोलाइन कार है, कहीं स्टेफन कार है, डेमन कॉल कर रहा है और ये सब देख के बोलते कितने फालतू लोग हैं, एक दिन आराम से नहीं टिकने देते मुझे अलीना की बॉडी में, एक तरह से बार बार डेमन उसे वापस पैचअप करने के लिए जुड़ा हुआ है, कैरोलाइन पूछ रही है कि तुम कहां पर हो कैसी हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन का मैसेज आया था कि तुम क्या टायलर की पार्टी में आ रही हो। और ये कहने के बाद अब नाडिया बोलती है शायद उनको तुम पे शक होने लगा है और अब शायद बात बदल सकती है। और तभी हम देखते हैं कैथरीन के शातिर दिमाग में एक और प्लान आता है, क्यों ना मैं पार्टी के अंदर जाऊं अलीना बनकर और पता कर लूं कि मेरी डेड बॉडी कहां पर है सबसे पूछ पूछ कर। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है ना 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 बिल्कुल भी ट्राई मत करना, तुमने पहले ट्राई किया होगा बट स्टिल उनको अगर पकड़ लिया तो तू मर जाएगी। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती नहीं मरूंगी, एक बार ट्राई तो करने दो, मैं एक तरह से बिल्कुल उसको पहले भी एक तरह से मिमिक कर चुकी हूँ अलीना को और अब भी कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती है अच्छा तुम मिमिक कर लोगी, तुम बता सकती हो उसकी बर्थ डेट कब है, कब मिलती है, किसका बॉयफ्रेंड है, किससे कब ब्रेकअप हुआ, उसके बेस्ट फ्रेंड कौन है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये कहने के बाद अब कैथरीन बोलती है हाँ ये बात तो तुमने सही कही, ये तो मुझे पता लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट तुम्हारा सही है। फिर हम अगले सीन में मैट को देखते हैं जो टायलर के साथ मिलकर तैयारी करवाने लग रहा था पार्टी की और एक तरह से ये पार्टी मैट दे रहा था टायलर के टाउन में वापस आने की खुशी में। तभी हम देखते हैं सामान उतारने लगते हैं पार्टी के लिए और तभी टायलर पूछता है कि तुम अपने दोस्तों को बुला रहे हो जिस तरह की अलीना को, स्टेफन को। और इसके बाद मैट बोलता है मुझे पता है तुम कैरोलाइन को बुलाना चाहते हो, हाँ मैं बुला रहा हूँ कैरोलाइन को भी। और ये कहने के बाद टायलर बोलता है मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ और मैट बोलता है हाँ मुझे पता है तुम कैरोलाइन के साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हो। और तभी वो अंदर चला जाता है, वहीं पर हम देखते हैं कि मैट के पास अब कॉल आता है अलीना का एक कैथरीन का और कहती हाय मैटी। और ये कहने को बोलता है मैट तुम मुझे मैटी कब से बुलाने लगी, तो बोलती मैट मुझे तुमसे कुछ मिलने के बात करनी है तो प्लीज आ सकोगे। और ये कहने के बाद मैट बोलता है श्योर पक्का। और तभी हम देखते हैं गार्डन वाला सीन जो फर्स्ट सीन था वो यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर अलीना मैट से मिलने आती है एक तरह से सारी बातें पता करने के लिए। फिर हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और हम देखते हैं कि अभी सेल्वेटोर हाउस के अंदर आता है डेमन और वहां देखता है कि एंजो पहले से आया हुआ था। और एंजो के आने के बाद बोलता है एंजो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलता मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और एक तरह से आग के पास कर खड़ा हो जाता है और कहता है देखो यही आग, इसी आग से मैं मरने वाला था उस दिन। और ये कहने के बाद उसके पास जाता है और वहीं पर अब डेमन कहता है मैंने तेरी एक बार जान बचा दी ना, तूने मेरी एक बार जान बचाई, मैंने तेरी एक बार जान बचाई, हिसाब बराबर, अब उस पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है वो तो समझ गया हूँ बट मैंने तेरी एक तरह से प्रोफेसी के बारे में सुना था जो तूने मेरे साथ मिलके की थी जब हम जेल के अंदर बंद थे, तुम्हारी प्रोफेसी थी एक तरह से पूरी फैमिली को, विटमोर फैमिली को एक मेंबर को छोड़ के बाकी को मार दो और एक तरह से तुम ये करते आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और तभी एक तरह से चेन खोलता है और उसमें से एरन विटमोर निकलता है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम एरन को यहाँ पर क्यों लाए हो, बोलता है इसका काम तमाम तुम कर दो और फिर एक तरह से पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, इसी के ग्रैंडफादर ने एक तरह से हम पे टॉर्चर किए हैं, इसके फादर ने टॉर्चर किया हमारे ऊपर और हम एक तरह से इनसे बदला ले सकते हैं एक ही बार में इसको खत्म करके। और ये कहने के बाद एक तरह से ऑफर देता है डेमन को कि क्या तो तुम इसे मार दो या फिर मैं मार दूंगा। और तभी बोलता है ये जिंदा है ना, बोलता है हाँ जिंदा है, सिर्फ मैंने इसे काटा है।
फिर हम देखते हैं कि डेमन के पास फोन आता है कैरलाइन का, और डेमन उठा के बोलता है रॉन्ग टाइमिंग ब्लॉन्डी, और एक बोलती है कि हाँ तुम्हारी रॉन्ग टाइमिंग हो सकती है बट अलीना यहाँ पर आएगी, तुम्हें मिलना है कि नहीं मिलना है उससे, और ये कहने के बाद फोन काटता है। और वहीं पर एंजो बोलता है डेमन से तुम मारोगे इसे या फिर मैं मारूं, और एक तरह से होश में आने लगा था। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि इसकी एक तरह से जो वॉच है विवेन का काम करती है, और उसके फादर हमेशा पहन के रखते थे, उसके ग्रैंडफादर भी, और ये एक तरह से कंपेल नहीं होता। तभी उसकी वॉच निकाल देता है और बोलता है कि मैं इसको मार डालूंगा, और तभी एंजो उसे वॉर्न करता है बार बार कि तुम मारो या मैं मारता हूं। तभी हम देखते हैं कि वो एरन की लाइफ बचाते हुए एंजो की गर्दन तोड़ता है, और ये कहने के बाद एकदम एरन बोलता है अच्छा तुमने मुझे छोड़ दिया, ये तो सस्पिशियस था। और तभी बोलता है हाँ मैंने तुम्हारी जान बख्श दिया, तुम यहाँ से जाओ। और ये कहने के बाद एरन बोलता है मुझे पता है तुमने अलीना की वजह से मेरी जान बख्शी है, अगर अलीना एक तरह से पता लगा लेगी कि तुमने मुझे मारा है तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और ये कहने के बाद डेमन को गुस्सा आता है, उसको कंपेल करता है और कहता है टाउन छोड़ के चले जाओ यहाँ से, जितना दूर हो सके उतनी दूर जाओ, उससे तुम्हारे लिए बेटर होगा, हाईवे पकड़ो निकल यहाँ से। और ये कहने के बाद हम देखते हैं पार्टी के लिए निकल लेता है। वही हम देखते हैं पार्टी के अंदर अब आ चुकी थी अलीना। अलीना आने के बाद हम देखते हैं कि वो सीधा गेट के अंदर एंट्री नहीं कर पाती है, और एक तरह से वो गेट के बाहर खड़ी होती है और स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं मैट उसके पास आता है, और मैट कहती है कि हाय मैट, और कहते हैं मैट कम इन अलीना कम इन, उसका दो अंदर आती है और मैट के पास जाके उसको कंपेल करती है और कहती है कि किसी और लड़की को ढूंढो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये कहने के बाद घूमने लगती है वहां पर, और तभी हम देखते हैं वो मिलती है स्टेफन से। स्टेफन उससे आते पूछता है कहाँ हो यार तुम आजकल, पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम्हें पता है डेमन के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम हो रखी है, और मैं जानता हूँ इस चीजों को, बट फिर भी कहाँ हो। और ये कहने के बाद अलीना जो कैथरीन है बाय द वे, वो कहती है एक तरह से मैं सिचुएशन से डील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी डेमन वाले प्रॉब्लम की वजह से। और वहीं पर स्टेफन बोलता है उसको भूल जाओ ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से एक अच्छा इंसान बनता है, तो प्लीज तुम उसके साथ रहो, बेटर है उसके लिए। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा ना कि कैथरीन मर चुकी है, और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ थोड़ा लग रहा था बट अब इतना नहीं है, मेरे उसके बीच में कुछ हुआ था बट स्टिल वो मर चुकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद अब कैथरीन को एक तरह से बुरा लगता है, बट कहती है नो इशू, बट हम एक तरह से उसका फ्यूनरल तो रख ही सकते थे। और ये कहने के बाद बोलता है शायद हाँ बट कोई रेडी नहीं होगा फर्स्ट थिंग, और नंबर टू डेमन ने उसकी बॉडी कहीं ऐसी जगह छुपा दी है जहां पर वो डिजर्व करती थी रहना। और ये कहने के बाद अब कैथरीन को समझ आता है कि उसकी बॉडी कहां पर है, और कहती है ओके भाई डेमन तो डेमन है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, और उसको पता चल चुका था कि बॉडी कहां पर है। अब हम अलीना को देखते हैं जो स्टेफन से दूर आने के बाद सीधा आती है बैकयार्ड की तरफ जहां पर नाडिया उसका वेट कर रही थी, और एक तरह से कचरा डालती है। और ये देखने के बाद नाडिया बोलती तुम कब से काम करने लग गई, और बोलती मैं बहाना लेके पीछे आई हूँ। और ये कहने के बाद नाडिया बोलती तुम्हें पता चला तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ है, और ये कहने के बाद बोलती हाँ पता चल चुका है, एक तरह से स्टेफन ने बता दिया मुझे इनडायरेक्टली, एक तरह पजल के तौर पे उसने कहा मेरी बॉडी को हमेशा डेमन वहीं पर रखेगा जहां मुझे होना चाहिए था। और ये कहने के बाद बोलती है नाडिया पजल इसको सोल्व करना पड़ेगा, और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती मैंने तो सॉल्व भी कर ली, वो हमेशा सोचता था बेचारा कि मैं एक तरह से टूम के अंदर बंद हूं और वो टूम के अंदर से निकालेगा, बट मैं वहां कभी थी नहीं। और ये कहने के बाद एक तरह से उसको हिंट देता है कि ओल्ड चर्च के नीचे वाले अंदर बनी टूम्स के अंदर मेरी डेड बॉडी है। तभी उसके बाद बोलती है मुझे अंदर जाके सबको बाय कह के आना पड़ेगा, मैं घर जा रही हूँ, वरना ये मेरा पीछा कर सकता है या फिर शक भी, क्योंकि मुझे अलीना की तरह एक्ट करना है। तभी वो पार्टी के अंदर जाती है और से मिलती है कैरलाइन। कैरलाइन बोलती है प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने एक ऑफुल चीज कर दी है और प्लीज तुम्हें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मुझे अभी जाना है कहीं, बोलती है प्लीज सुन लो ना। तभी अलीना बोलती है हाँ बताओ, वो बोलती है मैं एक तरह से ऑफुल पर्सन के साथ एक तरह से किस करने लगी, और किस करते करते भूल गई कि ऑफुल पर्सन है, और उसके साथ जंगल में मंगल कर दिया। और ये कहने के बाद बोलती है तुम किसकी बात कर रहे हो बाय द वे। और ये कहने के बाद कैरलाइन बोलती है क्लाउस की, और ये कहने के बाद बोलती है ओ माय गॉड तुम क्लाउस के साथ थी, और बोलती है इसमें मेरी क्या गलती, बस स्टार्ट हुआ किसिंग ये सब, उसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। और तभी हम देखते हैं कि वहां ऊपर से टायलर आ रहा था, और कैरलाइन से पीछा छुटाने के लिए कैथरीन ने चाल चली और बोलती है कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, टायलर से तो बेटर था ना, और क्लाउस तुम्हें ज्यादा पसंद आ गया तो इसमें क्या है। और ये कहने के बाद ये सारी बातें एक तरह से टायलर को सुनाने लग रही थी, और तभी वो बोलती है स्टॉप इट यार, स्टॉप इट मत बोल उसके सामने, वो सुन लेगा। और ये कहने के बाद बोलती है ओ माय गॉड टायलर तुम यहाँ हो। और ये हम देखते हैं सीढ़ियों से उतरते हुए टायलर बहुत ज्यादा गुस्सा था, और कैरलाइन की और टायलर की भिड़वा दी थी इस टाइम अलीना ने। और वहां पर हम देखते हैं कि टायलर गुस्से में वहां से चला जाता है, और कैरलाइन खड़ी की खड़ी रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि अलीना जो कैथरीन है वो एक तरह से वापस जाती है उन्हीं टूम्स के अंदर, और वहीं पर हम देखते हैं जो ट्रैवलर थी मिया और वो स्पेल करने लग रही थी, और वहां पर नाडिया बोलती तुम लेट कैसे हो गई, और ये कहने को बोलती मुझे केयर करनी पड़ती है ना सबकी, और एक तरह से वहां उनके पंगे करवा के आ चुकी थी। और यहां पर हम देखते हैं कि स्पेल चालू हो जाता है, वो उसका हाथ काटती है अलीना का, और ब्लड लेने के बाद एक तरह से ट्रैवलर्स मैजिक शुरू करती है, और कहती है नॉर्मल मैजिक से ज्यादा पावरफुल है बट एशियंट है। और तभी हम देखते हो जैसे मैजिक शुरू करती है
एक तरह से अलीना की आत्मा एक तरह से वापस आ जाती है और कैथरीन की आत्मा को सप्रेस कर देती है बॉडी के अंदर। और ये देखने के बाद अलीना एकदम घबरा जाती है, वो कहां पर है, और वो एक तरह से कैथरीन की बॉडी को देखती है, यहाँ पर नाडिया को देखती है, चुपचाप रहती है और एक्ट कुछ भी नहीं करती, और नॉर्मली पीछे जाके खड़ी होती है और सोचने लगती है यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी नाडिया बोलती है, ये सब क्या कर रही हो तुम, थोड़ी शांत रहो, उसको मैजिक पूरा करने दो, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी परमानेंट हो जाएगी और अलीना इस बॉडी से हट जाएगी। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम हैरान और दंग हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वहां पर आती है, चुपचाप खड़ी होती है, और वहीं पर ट्रैवलर बोलती है 2-5 मिनट के अंदर आराम से तुम्हारी बॉडी हो जाएगी। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम गुस्सा आता है उसे, एक तरह से ट्रैवलर को धक्का मारती है, गिराती है, सर फोड़ती है, और नाडिया को एक तरह से बड़ा सा स्टेक मारती है, और वहां से वो भाग जाती है। तभी हम देखते हैं जंगलों में भागने लगती है, और अलीना घबराई हुई थी और एक तरह से अपना फोन निकाल के कॉल करने की कोशिश करती है, बट देखती है कि उसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर दिया था, बार बार ट्राई कर रही है बट वो मिल ही नहीं रहा है। और ये देखने के बाद वो सिटी की तरफ भागने लगती है जंगलों में से। अलीना भागते हुए एक तरह से आगे बढ़ने लगती है और उसकी एक तरह से पुरानी मेमोरीज आती है, जो कैथरीन की मेमोरीज थी, उसका बच्चा खोना, उसका स्टेफन से मिलना, उसको स्टेफन को स्टेक करना, ये सब चीजें उसे दिखाई देने लग रही थी जो कैथरीन की मेमोरीज थी। और वहां पर जंगलों में भागती है और भागते हुए पार्टी वाले एरिया में आने की कोशिश करती है, और वहीं पर हम देखते हैं डेमन भी उसे ढूंढने लग रहा था। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि ट्रैवलर अपना मैजिक फिर शुरू कर चुकी थी, और वहीं पर नाडी अपना स्टेक निकालते हुए बोलती है, ट्रैवलर प्लीज जल्दी से मियां खत्म करो इस मैजिक को और एक तरह से अलीना से आजादी दिलवाओ हमें। तभी हम देखते हैं उसका स्पेल नियरली कंप्लीट होने वाला है, और वो डेमन को देख के डेमन चिल्लाती है और उसकी तरफ भाग के जाती है, उसे गले मिलती है। और तभी हम देखते हैं जैसे वो गले मिलती है उसकी आंखें ब्लैक होती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। अब पता चलता है कि कैथरीन उसकी बॉडी में वापस आ चुकी थी, और ये देख के हम देखते हैं कि अब अलीना उसकी बॉडी में ही नहीं थी। तभी एक तरह से कैथरीन अलीना बन के एकदम उससे हटती है, और वहीं पर हम देखते हैं कि डेवन बोलता है, आई नो पूरी सिचुएशन का, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और वहीं पर कैथरीन अब अलीना बन के बोलती है, हाँ मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी सुबह से, कहाँ थे तुम। और ये कहने का बोलता है, आई एम सॉरी यार, मैं तुझ पे ज्यादा गुस्सा हो गया एक तरह से, और एक तरह से तुम मुझे बदल देती हो यार, जब तुम मेरे पास होती हो मैं एक डिफरेंट पर्सन होता हूँ, थैंक्स अ लॉट, और मैं तुमसे वापस एक साथ रहना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद कैथरीन पीछे मुड़ती है और कहते हैं, इट्स मोर देन इनफ यार, मैं शायद इसको ना हैंडल कर पाऊँ इतनी सब चीजों को। एक रीजन ये भी है कि जब कैथरीन बहुत ज्यादा वीक थी तूने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है, ये क्या बकवास बीच में ला रही हो, ये तुम्हारी और मेरी बात है। और ये कहने के बाद बोलती है, नहीं डेमन तुम्हें एक तरह से एंगर इश्यूज है तुम्हें और मैं तुम्हें नहीं झेल सकती हूँ, और प्लीज ब्रेकअप। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन का दिल टूट चुका था और बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वहीं पर हम देखते हैं पीछे स्टेफन खड़ा होकर बोलता है, प्लीज समझने की कोशिश करो। और वहां पर से अलीना जो कैथरीन है वहां से चली जाती है। और ये कहने के बाद डेवन स्टेफन से कहता, तुम तो इस चीज को एंजॉय कर रहे होगे ना इतनी देर से खड़े होकर। और वहां पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब हम देखते हैं सीधा कैथरीन एक तरह से वापस चली जाती है उस टूम्स के अंदर। और वहां पर जाने के बाद एक तरह से मियां बोलती है, एक तरह से स्पेल पूरा हो चुका है। और ये कहने के बाद अब नाडिया भी खुश थी, और वहीं पर कैथरीन आ जाती है, और कैथरीन आने के बाद सीधा मियां का दिल निकालती है और कहते हैं, मुझे बहुत बोरिंग और इरिटेटिंग लगी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नाडिया बोलती है, इसको मारने की जरूरत नहीं थी, बट अगर तुम्हें लगता है तो होगी बोरिंग। और ये कहने के बाद बात करने लगती है, और वहीं बोलती है नाडिया अपनी मॉम कैथरीन से, चलो तो पूरी दुनिया घूमते हैं एक साथ। और ये कहने के बाद बोलती है, नहीं यार मेरे कुछ और प्लान्स है, पहली बार जिंदगी में मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है, ऊपर से मैं अलीना गिलबर्ट बन चुकी हूँ, जिसके लिए आधा टाउन अपना गला कटवाने के लिए भी तैयार है, इतनी सेफ्टी है मुझे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम यहाँ पर रह सकती हो, बेटर है, तुम यहाँ पर रहोगी तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, बट एक तरह से मैं स्टेफन को भी पाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती हूँ, तो तुम डिसाइड कर सकती हो, तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो और मैं अपने वन ट्रू लव स्टेफन को एक बार जरूर वापस पाना चाहूंगी जिंदगी में। अब हम देखते हैं कि टायलर बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपने रूम के अंदर था, और वहीं पर हम देखते हैं पीछे पीछे कैरलाइन आती है और प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, ये क्या एक तरह समझाने की कोशिश करती है। वहीं पर टायलर गुस्से में आता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो, समझने की कोशिश करो, उसने मेरी माँ को मार डाला, मेरे हाइब्रिड दोस्तों को मार डाला, और एक तरह से वो मेरा दुश्मन है और तुम मेरे दुश्मन के साथ थी, ये तुमने गलत किया है। और ये कहने के बाद उसको मारने के लिए बढ़ता है बट अपना हाथ रोकता है, बट वहीं पर स्टेफन आकर उसको दीवार में लगाता है और कहता है, तुम कर क्या रहे हो। और ये कहने के बाद टायलर बोलता है, मैं बताऊं क्या कर रहा हूं, ये एक तरह से क्लाउस के साथ थी। और ये सुनने के बाद स्टेफन भी चुप हो जाता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कैरोलिन वहां से जाती है बहुत ज्यादा इमोशनल होकर और कहता है, हाँ तुम्हें जाना ही चाहिए यहां से और वापस मत आना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा था टायलर। अब हम देखते हैं कि कैरोलिन पार्टी खत्म होने के बाद आ चुकी थी सेल्वेटोर हाउस के अंदर, और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन से बात करने के लिए वेट कर रही थी, और स्टेफन वहां पर आता है और कहता है, हाय तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब बोलती है, यार मुझे एक बार जज करोगे, एक बार बताओगे कि मैं कैसी पर्सन हूँ, डोंट फील लाइक फ्रेंड बट एज अ पर्सन बताओ। और ये कहने के बाद उसके पास बैठता है और कहता है, तुम मीन हो, तुम एग्रेसिव हो, तुम इरिटेटिंग हो। और तभी हम देखते हैं हंसने लगते हैं और कहती है, प्लीज डोंट जज मी यार। और ये कहने के बाद दोनों हंसने लगते हैं और वो कहता है, प्लीज तुम अपने आप पे कंट्रोल करो, कुछ गलत नहीं हुआ है।
और ये कहने के बाद एक तरह से कैरोलाइन को समझाने की कोशिश करता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं गाड़ी जा रही थी और वहां पर एक देखते हैं कि एक बंदा जमीन पे लेटा हुआ है जिसको देखने के लिए गाड़ी के अंदर से एरन बाहर आता है। एरन देखने के बाद बोलता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों पड़े हो, और तभी हम देखते हैं कोई और नहीं एन्जो था। एन्जो उठता है और बोलता है हाय एरन, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि एरन डर के पीछे हटने लगता है और पीछे एकदम डेमन सेल्वेटोर आ जाता है और वो कहता है कि हाय मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए पर्सनली आया हूँ। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुमने तो मुझे कहा था कि यहाँ से टाउन छोड़ के चला जाऊं। और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ मैंने कहा था बट जब मैं अलीना के लिए था, और सॉरी स्क्रैप कर दो अलीना अब जा चुके हैं मेरी लाइफ से तो मैं मेरी मर्जी करूं। और ये कहने के बाद उसके आगे बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं वो पीछे हटता है और वहीं पर हम देखते हैं कि एरन बोलता है अलीना तुम्हें माफ नहीं करेगी अगर तुम ये करोगे तो। और ये कहने के बाद बोलता है अलीना क्या लगता है कि मैं गुड ह्यूमन हूं, मैं नहीं हूं, मैंने तुम्हारी फैमिली को मार दिया। और ये कहने के बाद एरन को भी याद होता है हाँ तुमने मेरी फैमिली को मार दिया था ना, एक एक करके बोलता हाँ सबको मार डाला था और मुझे कितनी अच्छी लगती थी आवाज जब वो मरते थे उनका दम घुटता था। और ये कहने के बाद एरन को गुस्सा आता है बट वहां से जाने का ट्राई करता है बट तभी बोलता है कि जैसे अलीना सोचती है कि मैं ह्यूमन हूं वैसा हूं नहीं बल्कि मैं एक मॉन्स्टर हूं। तभी हम देखते हैं कि उसका वैम्पायर वाला फेस होता है और एकदम एरन को काटता है और मार के जमीन पे फेंक देता है और एकदम पूरा मुंह पे ब्लड लगा हुआ था। और ये देखने के बाद एन्जो बोलता है इस डेमन को मैं पर्सनली जानता हूं। और हम देखते हैं कि इस टाइम पे एरन की मौत हो चुकी थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड फिर से बन चुके थे और इसका ब्रेकअप हो चुका है डेमन सेल्वेटोर का। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कुछ थ्योरीज, अब क्या कैथरीन एक तरह से डेट करना शुरू कर देगी स्टेफन को, और क्या डेमन बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा उसको वापस पाने की, और बानी कहाँ है, और बानी तो आराम से पता लगा सकती है इसके बारे में, और बाकी क्या होगा, अब टाइलर और एक तरह से कैरोलाइन का ब्रेकअप भी हो चुका है। तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रख लो, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, टाटा टेक केयर बाय बाय।